नमस्कार दोस्तों, मिसिंग नंबर को लेकर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है आपके एग्जामिनेशन में और एसएससी रेलवे बैंकिंग में। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा वायरल होकर घूम रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम इसके आंसर को शॉर्ट तरीका से देंगे, इसी के विषय में आज हम आप सभी के पास बताने वाले। तो दोस्तों वीडियो के साथ बन रही है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी जो है यहाँ पर मज़ेदार बनने वाले, इसलिए वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर यहाँ पर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो वाट है, वाट के स्थान पर कैसे आया है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो आंसर किस प्रकार से आए हैं उसी के विषय में हम जानेंगे। यहाँ जो 7 5 2 इसको इस टाइप से करके बनाया गया है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या किया गया है दोस्तों, 7 × 5 और -2 कर दिया गया है। 7 × 5 = 35, 35 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 33। तो यहाँ पर 33 आ चुका है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी 3 × 6 - 8 जब हम करेंगे, 6 × 3 कितने हो जाएंगे, 18। 18 में अगर 8 चले जाते हैं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। और यहाँ पर 10 मौजूद है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखे गए 4 × वाट - 3 = 33। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। जब इसको हम काटेंगे 30 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 30 प्लस इधर माइनस है तो इधर प्लस चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 को 4 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे कितने दोस्तों, 9। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 9। है ना काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टेड। आप अब कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आसानी से उसका आंसर आप 9 देकर आ जाइएगा। नीचे कमेंट लिखकर बताएं कि क्या आपने इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर देखे हैं या नहीं देखे हैं, अगर देखे हैं तो क्या आपने उसका आंसर दिए थे या नहीं दिए थे, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, 6 7 8 5 6 9 11 13 वाट का स्थान दिया गया है। तो इसको कैसे हम जब बनाएंगे इसके विषय में समझिए। सबसे पहले इसमें से इसमें दोनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं, 6 5 अगर 11 हो जाते हैं, 6 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। और अगर हम 7 और 6 को इंक्लूड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो 7 और 6 कितने हो जाए, 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 8 और 9 को अगर इंक्लूड करते हैं, 8 और 9 को इंक्लूड करते हैं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 17 हो जाएंगे। इसके सही आंसर क्या है, 17। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 17 हो जाएंगे। है ना काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी मज़ेदार वीडियो। अगर आने वाले में इससे भी भयानक ट्रिक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में को जो चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के जुड़ जाए ताकि आने वाला हर प्रकार का वीडियो आप आनंद पूर्वक से देख पाएं। आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रहा, वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।